चलिए अभी ये गिफ्ट हम कल्पना को देते हैं और देखते हैं कि कल्पना का क्या रिएक्शन होने वाला है इसको खोलने हेलो के गाइस, बाद मेरा नाम है में। जय और आप देख रहे हैं अलका टेक। सो गाइस, आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है, और ऐसे में रक्षाबंधन के दिन सभी भाई लोग अपनी सिस्टर के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाते हैं। ऐसे में हम तीनों भाई कैलाश, धनेश और जय ने भी हमारी छोटी बहन कल्पना के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट सरप्राइज जो है हमने पैक किया है और लेके आए हैं, और अब हम वो गिफ्ट कल्पना को देने वाले हैं। देखिए, काफ़ी सारे लोगों ने जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो 11 अगस्त को मना लिया, लेकिन अभी बज रहे हैं 10:12, वो है 12 अगस्त का जो जो डेट है आज 12 अगस्त की, और आज के दिन हम वो गिफ्ट देने वाले हैं, सरप्राइज़ गिफ्ट कल्पना को देने वाले हैं। हालांकि मैंने सरप्राइज़ गिफ्ट के बारे में कल्पना को बहुत ही ज़्यादा पहले ही बता दिया था, और कहीं ना कहीं कहते ना जो बात लीक हो जाती है, आई डोंट नो हाउ, बट बात कहीं ना कहीं से लीक होगी, और उन्हें थोड़ा सा तो अंदाज़ा है कि क्या गिफ्ट हम लेके आए, लेकिन फिर भी उन्हें अभी कन्फर्म नहीं है पता कि क्या गिफ्ट लेके आए हैं। तो फिर अब हम लोग ये जो गिफ्ट है हम तीनों भाइयों के थ्रू कल्पना को देने वाले हैं। देखते हैं कि कल्पना का क्या रिएक्शन रहता है और वो इस गिफ्ट को पाकर कितना खुश होती है, और क्या कुछ होगा आपको इस ब्लॉग के अंदर सब कुछ देखने को मिलने वाला। तो फिर आप इस ब्लॉग को ज़रूर देखेगा और आप भी देखिए कि हम कल्पना के लिए क्या गिफ्ट लेके आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो गिफ्ट है कहाँ। सो गाइज, मैं जब यहाँ पे आया था सांचौर में, तो मैंने वो गिफ्ट है ना पहले से आते ही मैंने छुपा दिया था। वो छुपाया मैंने कहाँ था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, छुपाने की जगह मेरी थी ये यहाँ पे, है ना, ये अभी मैं यहाँ से आपको निकाल के बता रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, सो गाइज, ये गिफ्ट है, मैं लेके आ गया था अब कल्पना को हम देने वाले हैं गिफ्ट, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है। ठीक है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। ओके, सो गाइज, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम कल्पना के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आए थे, और अभी किसी को नहीं है पता कि इसके अंदर क्या है, लेकिन बहुत जल्दी ये आप सभी लोगों के सामने मिलने वाला है, पता लगने वाला है कि इसके अंदर हम कल्पना के लिए क्या लेके आए हैं। तो चलिए अभी ये गिफ्ट हम कल्पना को देते हैं और देखते हैं कि कल्पना का क्या रिएक्शन होने वाला है इसको खोलने के बाद में। तो चलिए ये लीजिए, हम तीनों भाइयों की तरफ से कल्पना को गिफ्ट है, धनेश और कैलाश के पैसे लगे, मैंने खरीदा है, पूरा देखा है क्या कैसे है, और अब देखते हैं कल्पना इसको खोल के आपको बताती है कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए देखिए, इसे हंसी आ रही है, शर्म आ रही है ना। खैर, पहली बार गिफ्ट मिल रहा है तो फिर आते हैं, और साइड में और सिस्टर भी बैठी है, वो भी अपने दांत निकाल रही है, वो भी हंस रही है। खैर देखिए, मैंने इसको पहले ही कहा था कि कैंची ला, कैंची ला, लेकिन ये कब से नखरे कर रही थी, कैंची नहीं ले आ रही थी, और अब इसको ये देखो कपड़े काटने वाली कैंची से ये अब काट रही है। देखिए, खोलती है गिफ्ट और क्या है इसके अंदर, सरप्राइज फॉर कल्पना बाय थ्री ब्रदर्स। ओ, बड़े भाई अपने बाल को ठीक करते हुए, धनेश भाई, ये है धनेश भाई, है आप सभी जानते हैं हमारे पहले जो जोधपुर माचिया वाला जो पार्क वाला जो वीडियो था उसके अंदर भी आ चुके हैं। ओके, सो अब ये कल्पना काफ़ी हद तक इसको खोल चुकी है, और ये हम कल्पना के फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, बत्ती सी तो दिख ही रही है, खुल जा सिम सिम। टेन 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 टेन, ओ कभी, क्या नाम है मोबाइल का? अरे, एक डॉलर आयो है। देखिए, धनेश भाई भी सरप्राइज हो गए एक डॉलर को देख के। नया मोबाइल कल्पना के लिए, तो कैसा लगा कल्पना आपको कैलाश भाई और धनेश की तरफ से और मेरे द्वारा खरीदा हुआ सरप्राइज गिफ्ट? मस्त है। अच्छा, सो गाइज मस्त है, आप सभी को पता है कि अच्छा है, मस्त है। ओके, सो गाइज, ये हमारे तरफ से कल्पना के लिए गिफ्ट था, और कल्पना इसे पैक करके वापस रख रही, मुझे नहीं पता क्यों रख रही है। बड़े भाई इसको, इसका पोस्टमार्टम करके देखेंगे इसके अंदर क्या कुछ होता है। चलिए, तो अभी हम बाय बाय बोलते हैं, और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।